खबर पन्ना जिले के शाहनगर में जिला कलेक्टर ने रविवार को डेढ़ दशक से अधूरे पड़े बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बता दें कि शाहपुर में ऐसा बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन बस स्टैंड है जो कि स्वीकृति के 15 साल और टेंडर होने के 12 साल बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसको लेकर बीते दिवस शाहनगर व्यापारी मंडल ने सांसद बीडी शर्मा को भी ज्ञापन सौंपा था और कार्य शुरू कराए जाने की मांग उठाई थी। उसी के परिणाम स्वरूप रविवार सुबह कलेक्टर सुरेश कुमार शाहनगर पहुंचे और यहां उन्होंने नगर के जनपद सभागार में प्रोजेक्ट के संबंध में बैठक करते हुए मौका स्थल पर पहुंचकर प्रोजेक्ट को समझा और कार्य शुरू कराने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन भी दिया। पन्ना से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। ये शाहनगर ग्राम पंचायत में बस स्टैंड और शॉपिंग कम्प्लेक्स का शुरुआत 10-12 साल पहले एक प्रोजेक्ट बना था और मेरे नॉलेज में आया था कि अधूरा पड़ा हुआ है, तो उसी को देखने के लिए और उसमें कुछ आवंटिती हैं दुकानदार उन सब से बात करने के लिए मैं आया था। पूरा प्रोजेक्ट समझ के आगे इसको किस प्रकार से जल्दी पूरा कराया जा सकेगा, उस दिशा में हम लोगों ने